मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में एमपीपीएस सीट 2019 एवं 2020 में चयनित 559 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बनाई परंपरा पर ब्रेक भी लगा दिया है। मध्य प्रदेश गान के दौरान अधिकारी जब खड़े हुए, लेकिन सीएम ने उन्हें किया। उन्होंने कहा कि राज्य गीत संस्थाओं के गीत पर खड़े होना समझ से परे है। राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान के समय खड़ा होना ठीक है, लेकिन कोई दूसरा गान जैसे कोई कॉलेज गान बना दे या मध्य प्रदेश गान के समय खड़ा होना जरूरी नहीं। परंपरा बदली जानी चाहिए। आपको बताने की जुलाई 2011 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर सभी सरकारी कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश गान को गाना अनिवार्य किया था। वहीं साल 2019 में सत्ता में आई कमलनाथ सरकार ने इस गान को सरकारी कार्यक्रमों में बंद करवाने का ऐलान किया था। राजनीतिक जानकारों की माने तो उस दौरान शिवराज ने मध्य प्रदेश गान को प्रचारित करने के लिए ये फैसला लिया था। राष्ट्रगान या जो वंदे मातरम, एक तरह से वो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय ही खड़े रहना चाहिए, वो हमारे सबके लिए आदर्श है। लेकिन एक परंपरा बन गई अब, जैसे हमारा मध्य प्रदेश गान बना, अच्छी बात है। कोई विश्वविद्यालय गान बनाता है, कोई कॉलेज का गान बनाता है, कोई अलग से कोई संस्थान अपना गान बनाएगा और वो अपने नियम बनाने लग गया कि हम भी राष्ट्रगान की तरह खड़े हो, ये क्या बात हो गई। फिर राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की व्यवस्था के आधार पर बाकी को तो बराबर नहीं कर सकते ना। तो ये आपको अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर विचारवान बने रहना है। हो सकता है वो आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि ये पुरानी परंपरा को तोड़ के क्यों है फलाना ढिकाना, ये ठीक है चलता रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ परमात्मा ये एक ऐसे विषय, तो दर्शन का विषय है। सत्य क्या है? सत्य काल बाह्य नहीं है। सत्य का मतलब आज जो सत्य दिख रहा है, हो सकता है कल के बाद उसमें भी कुछ और नई चीज निकल जाएगी, तो वो मानना पड़ेगा। हमारा समाज, हमारी संस्कृति निरंतर ये इस तरह की व्यवस्था में प्रवाह मान देती है और उसमें से जो समय चीन होता है आज के लिए जो ज्यादा जरूरी है उसको लागू करते हैं। पुराने में हो सकता है कुछ अच्छा ही होगी, लेकिन आज उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है तो बदलाव नहीं करते। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो जो कुछ बात है वो लचीलापन हमारा है, ये समय के साथ हमको सदैव अच्छे से और अच्छे की तरफ ले जाता है।